हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं इंडिया के हर घर का हल्का फुल्का फेवरेट ब्रेकफास्ट नाश्ता पोहा, जो बहुत ही टेस्टी बनता है और खिला खिला और मुलायम बनता है। आइए इसे हम बनाते हैं। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। खिला खिला और नरम पोहा बनाने के लिए देखिए, हमने एक कप पोहा लिया है। इसे हमने बढ़िया से साफ कर लिया है। अब हम इसे दो पानी धोएंगे। हमने बड़ा बाउल लिया है, इसमें हम पोहे को डालेंगे, इसमें पानी डालेंगे और दो तीन पानी अच्छे तरीके से धोएंगे। देखिए, पोहे को हमने धो लिया है। अभी एक बड़े छन्ना लेंगे और उसमें हम पोहे को डाल देंगे। जो भी हमारा एक्स्ट्रा पानी होगा छन्नी की सहायता से निकल जाएगा। अभी यहीं पे हम थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे और आधा चम्मच इसमें हम चीनी डालेंगे। नमक और चीनी डालने से इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है और इसे हम मिला के 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे। पोहा बनाने के लिए गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा दिया। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम मूंगफली का दाना डालेंगे और 2 मिनट इसे भूनेंगे। 2 मिनट हमारा हो चुका है। मूंगफली को हमने भून लिया है, इसे अब हम निकाल देंगे। ये देखिए, मूंगफली को हमने निकाल लिया है। अब इसी तेल में हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे, आधा चम्मच हींग डालेंगे। हींग बहुत ही अच्छा लगता है, वो हम अभी जरूर डालिएगा। इसे थोड़ा सा 2 मिनट रोस्ट होने देंगे। कड़ी पत्ता डालेंगे। कड़ी पत्ता ऑप्शनल है, जरूर डालिएगा। और 2 मैंने कटी हुई हरी मिर्च ली है, बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और 2 मिनट से फ्राई करेंगे। प्याज को हमने भून लिया है। अब इस स्टेज पे हम धनिया का पत्ता भी डाल देंगे। इससे पोहा भी बहुत ही अच्छा लगता है। पोहा जो हमने धो के रखा था, देखिए कितना खिला खिला हमारा पोहा है। इसे भी हम यही डाल देंगे और इसे बढ़िया से मिला लेंगे। और इसमें कुछ हम मसाला ऐड करेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल लेंगे। नमक हम इसमें डाले थे, ब्राउन नमक इसमें हम ऐड करेंगे। और पोहा मसाला हमने थोड़ा घर पे ही बनाया था, इसे हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे। इसे अच्छे तरीके से हम मिला देंगे। थोड़ा सा इसमें हम कड़ी पत्ता डालेंगे। पोहे में बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है, आप भी जरूर डालिएगा। और जो हमने मूंगफली को रोस्ट करके रखा था, इसे हम यहाँ मिला देंगे। इसे अच्छे तरीके से मिला के 2 मिनट के लिए इसे हम कवर करेंगे। 2 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। 2 मिनट हो चुका है, अब हम इसे चेक कर लेंगे। पोहा देखिए कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही अच्छा खिला खिला पोहा बना है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। वही इसे हम सर्व करके दिखाते हैं। देखिए कितना बढ़िया और खिला खिला पोहा हमारा बनके तैयार हुआ है। और एक एक दाना अलग अलग मुंह में घुल जाने वाला पोहा बना है और बहुत ही टेस्टी और नरम भी बना है। और पोहे के साथ ये फ्राई किया हुआ मिर्चा इसका स्वाद बढ़ा देता है। देखिए कितना बढ़िया पोहा हमारा बनके तैयार हुआ है। आप भी जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही आसान रेसिपी है। और एक नींबू हमने इसमें रख दिया। देखिए बहुत ही टेस्टी और यमी बनके पोहा तैयार हुआ है। आप भी एक बार जरूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ओके, बाय।